देखिए आप लोग, ये इमेज नाम का फोल्डर है ना, इसके अंदर मैं, ये उस दिन वाला फोटो है, ये है और ये है, इन तीनों तीन फोटो मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। अब क्लोज इसको यहाँ से क्या करूँगा मैं, कॉपी, और आता हूँ इधर, इसको ऐसे कर दूंगा तो बड़ा होगा ना, हो गया। आता हूँ इसमें SRC, और इसी SRC फोल्डर के अंदर मैं पेस्ट कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। चलिए अब इन सभी को मैं कर दूंगा क्लोज और ओपन करूंगा डैशबोर्ड। ओपन हो जा डैशबोर्ड। अब यहाँ पे मेन मेथड तो मैंने बना रखा था, मैं सीधा इसी को जो है रन कर देता हूँ अभी। अब देखिए आप, आ जाएगा जावा एप्लीकेशन, हो जाएगा अब रन। एक से एम करके तब तक सर्वर को मैं चालू कर लेता हूँ, ये रन हो गया, आ गया यहाँ। अब इसको चालू कर देता हूँ, इसको चालू कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। यही बैकग्राउंड में मुझे वो फोटो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे रन होकर के ओपन होता है, तो जितना बड़ा हमारा विंडो स्क्रीन है, फुल स्क्रीन मेरा ओपन होता है, तो जितना बड़ा हमारा स्क्रीन है, हर कंप्यूटर में अलग अलग स्क्रीन का साइज हो सकता है, तो जितना बड़ा स्क्रीन है उतना ही बड़ा लेबल का हाइट विड्थ हो। हम क्या करेंगे कि एक लेबल बनाएंगे, और उस लेबल को जो है इसी, ये जो दिख रहा है ना ये फ्रेम, ये जो दिख रहा है खाली एरिया, इसी खाली एरिया में वो लेबल को हम सेट कर देंगे, पूरा लेबल का हाइट विड्थ इतनी बड़ा, पूरा स्क्रीन के बराबर कर देंगे हाइट विड्थ, और उसी लेबल में जो है हम अपना फोटो सेट कर देंगे। समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा ऊपर, तबीयत सही है सभी लोगों का? ठीक है, लेबल, और यहां पे कह दूंगा BG माने बैकग्राउंड, और कंस्ट्रक्टर में इसका बना दूंगा ऑब्जेक्ट, इसको कर दूंगा ऐसे। यहाँ पे दिस डॉट ऐड कर देंगे, BG को, ऐड हो गया लेबल मेरा। एक काम और हमें करना है कि लेबल का बॉन्ड्स सेट करना पड़ेगा, तो लेबल का बॉन्ड्स तो हम सेट कर ही देंगे, BG.setBounds, BOUND, सेट बाउंड्स। तो ये एक्स है, ये वाई है, और ये है विड्थ, ये है हाइट। तो लेफ्ट से कितना हो, 0 हो, ऊपर से कितना हो, तो ऊपर से मैं चाहता हूं कि 20-30 कुछ हो, ये मैं लिख के भी रखा था बहुत पहले कि कितना होना चाहिए, इधर किसी में तो लगभग 40 हो तो ठीक रहेगा। एक काम कर गए, 40 पिक्सल में नाप के रखा था, तो 40 पिक्सल आप यहाँ पे कर देंगे तो ये ठीक रहे, ठीक लगभग आता है। अब दिक्कत आता है हाइट विड्थ, हाइट विड्थ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन का, पूरे मेरे स्क्रीन का मैं हाइट विड्थ निकालूंगा और उसका हाइट विड्थ यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो कैसे निकलेगा, टूल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, टूल किट का, टूल किट डॉट गेट डिफॉल्ट टूल किट, टूल किट डॉट, फिर आता है आपका मेथड गेट रेजुलेशन, कहाँ गया यार, भूल रहा हूं मैं स्पेलिंग, स्क्रीन साइज होता है यार, यही स्क्रीन साइज है, तो स्क्रीन साइज जो है रिटर्न कर देगा डायमेंशन, यही है मेथड। अब ये रिटर्न कर देगा डायमेंशन, Ctrl+1 दबाया और एंटर मार दिया तो ऐसा बन गया, स्क्रीन साइज रिटर्न करता है तो साइज रिटर्न कर दिया।
अब ईसी जो है ना यहाँ पे कर देंगे विड्थ बता दो तो विड्थ आ गया, और यहाँ पे हम कर देंगे डॉट हाइट तो हाइट आ जाएगा। अब लेबल का हाइट विड्थ जो है कितना हो जाएगा, जितना हाइट विड्थ मेरा स्क्रीन का है। अब पता तो नहीं चल रहा है ना, तो हाँ, जैसे प्रोग्राम रन होगा तो ये जो मेथड है ना गेट स्क्रीन साइज, ये साइज रिटर्न कर देगा, डाइमेंशन तक भेज देगा। अब डाइमेंशन में से आप क्या करो, विड्थ निकाल लो और हाइट निकाल दो। आप ऐसा काम करो ना कि ये बीजी जो है, बीजी का आप कलर बदल के क्या फायदा है, मैं सेट करूंगा, आइकन तो दिख जाएगा, दिख तो रहा है लेकिन कोई कलर नहीं है तो नहीं पता चल रहा है। देखिए तो हमें क्या करना है, आइकन कैसे सेट किया जाता है, ये देखिए यही है मेथड सेट आइकन। सेट आइकन में आप क्या करेंगे, मैं एंटर दबा दबा के नीचे आता हूं, अब ठीक है। अब देखो आप ये लोकेशन भी निकालना है, बड़ी टफ काम है ना। तो ये लोकेशन कैसे निकाला जाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको पहले। तो यहीं पे आप, मैं क्या करूँगा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे सिस्टम डॉट गेट ड्राई नाम से कुछ फंक्शन होता है, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहां पे मैं कर देता हूं यूजर डायरेक्टरी, यूजर डॉट dir। तो अब देखना आप लोग क्या आता है, यूजर डायरेक्टरी क्लिक किया हूं, वो प्रिंट किया हूं यूजर डायरेक्टरी को। तो ये प्रॉपर्टी आपको इंटर, ये देखिए आ गया ना सामने, तो ये देखिए आ रहा है मेरा लोकेशन, ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा कहां पे उसका लोकेशन ये दे देता है आप लोग को। तो ये मेरे को कैसे मालूम है, ये इंटरनेट पे मेरे को याद था जो है चीजें। आप गेट प्रॉपर्टी आप जब गूगल करोगे ना सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, तो ये सब आता है इस टाइप का, गूगल पे मिल जाएगा आप लोग को। अब मैंने काम किया था काफी पहले अपने टाइम पे, तो मुझे याद था कि यूजर डॉट डायरेक्टरी करने पे फोल्डर का लोकेशन आ जाता है पूरा। अब हमारा कहाँ पे है, हमारा जो पड़ा हुआ है फोल्डर, वो फोल्डर बता रहा हूं मैं कहाँ पे है, देखना आप लोग। यूजर डायरेक्टरी मैंने किया स्ट्रिंग इमेज कर देते, ये देखो हमें प्रोजेक्ट तक का तो मिल गया ना, यहां तक का लोकेशन। तो यहां के बाद एसआरसी फोल्डर है, और एसआरसी फोल्डर के अंदर इमेज फोल्डर है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये देख लो ऐसे, और डबल कोट फिर यहां पे कर दूंगा एसआरसी स्लैश स्लैश कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, इमेज इमेज स्लैश स्लैश, या ऐसे कर देते हैं विंडोज इस तरह का कुछ लेगा। फिर फोटो का नाम, तो मुझे ये वाला फोटो चाहिए, इस फोटो का नाम मैं इधर से करूंगा कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी किधर से होगा जी, रीनेम करूंगा पहले तो। हाँ यार सेव कर दो, आ गया, मैं कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट करके ये कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, सेमी कॉलन। अब मैं क्या कर दूंगा, इधर से आ जाएगा मेरा। अब ये कुछ एरर बता रहा है, एरर काहे के लिए बता रहा है भाई, ये कह रहा है कि स्लैश वगैरह जो दिए हुए ये गलत बात है, ये हम नहीं लेंगे। स्लैश नहीं लेगा तो मजा नहीं आएगा, स्लैश तो हाँ अब ठीक है, ये लाइनक्स विंडोज का डिफरेंट डिफरेंट है। इतना तो हमने करके रेडी कर दिया जी, हमें अब फोटो का लोकेशन मिल गया। अब इसी को मैं नीचे अगर प्रिंट कर दूं ना इमेज को, तो पूरा पाथ इमेज का मिल जाएगा, देखना आप, दिखा रहा हूं मैं प्रिंट करके, इमेज रन रन है जावा एप्लीकेशन, ये देखो प्रिंट आ गया था ना, तो ये फोटो का मुझे पूरा लोकेशन मिल चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है, क्या
इधर गया। अब देखो आप यहाँ पे न्यू इमेज आइकन चाहिए। यदि हमें बीजी डॉट सेट आइकन करूंगा तो होगा, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको इमेज आइकन चाहिए, इमेज आइकन चाहिए, इमेज आइकन चाहिए इसको। अब इमेज आइकन में कुछ कंस्ट्रक्टर है, देखो क्या क्या कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर बताया हूं ना, वही वाला कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। ये पहला तो मांग रहा है कि इमेज को बाइट के फॉर्म में दो, दूसरा मांग रहा है कि इमेज के ही फॉर्म में दो, तीसरा मांग रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल नेम, मतलब आप स्ट्रिंग दो लेकिन सॉरी स्ट्रिंग के रूप में फाइल का नेम दो, इसका एक कंस्ट्रक्टर मांग रहा है। तो यहां पे मैं कौन सा दूंगा, यही वाला इमेज दे दूंगा, क्योंकि यहीं पे मेरा आ रहा है। ए यार हो गया, क्या कह रहे हैं सर, टाइपिंग करने के लिए ठीक ठाक है, टाइपिंग करके बेइज्जती कर दे रहे हैं मेरे कंप्यूटर को, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंप्यूटर हैं सर, टाइपिंग तो बहुत छोटा चीज हो गया, टाइपिंग यूएमएस वर्ड होगा सर, हिंदी नहीं होगा इसमें, इसे लोड करिए, कर दे रहे हैं, इसे लोड कर दीजिएगा, बैठिए खाली, एकदम ऊपर कर देता हूँ यार। आ गया इमेज आइकन यहाँ पे। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और कर दूंगा रन एप्लीकेशन जावा। ये तो फोटो आ ही नहीं रहा यार, ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे गुजारा होगा, प्रिंट में करता हूँ एक बार इमेज को, नहीं आइकन नहीं प्रिंट करेंगे, हो गया जावा एप्लीकेशन रन हो गया, नहीं आया ना, चलो टेस्ट करते हैं क्यों नहीं आया। कॉपी मारा मैं इसको और यहाँ पे आऊंगा और सीधा यहाँ पे आऊंगा, ऐसे एंटर मारा, ये तो कह रहा है कि जी फाइल का नाम है गलत है, क्यों फाइल का नाम कैसे गलत हो सकता है। अब मैं स्लैश को हटाऊंगा, एसआरसी के पहले भी तो देना ना पड़ेगा यार, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दुर्गावती एसआरसी है ना, यहाँ पे भी तो स्लैश देना पड़ेगा, यही कारण था कि नहीं हो रहा था प्रिंट। आ गया ना, इतना बड़ा बड़ा आ रहा है यार, ये तो बहुत बड़ा हो गया, पता ही नहीं चल रहा शक्ल का, मतलब फोटो बहुत बड़ा है, फोटो जो है वो बहुत बड़ा क्वालिटी है उसका, फोटो का क्वालिटी भी आई है, तो ये बहुत बड़ा हो गया। इसको छोटा हमें करना है, कितना छोटा करना है हमें, उतना छोटा कर दो जितना स्क्रीन का साइज है। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, देखो इमेज को स्केल करना पड़ेगा, इमेज स्केल कैसे होगा, तो इमेज आइकन पे एक मेथड होता है गेट इमेज, और गेट इमेज में यहां पे है गेट स्केल गेस स्केल्ड इंस्टेंस, इससे क्या होता है जो है हाइट विड्थ जो है छोटा होता है इमेज का, तो यहां से स्क्रीन का जो हाइट विड्थ है वो हम डाल देंगे। तो यही मैं काम करने वाला हूं, और तो कुछ करूंगा नहीं, और क्या करेंगे। फिर आइकन आइकन डॉट गेट इमेज डॉट गेट इंस्टेंस कर लेते हैं, गेट ये हो गया। कौन सा हाइट विड्थ लेंगे हम, यही वाला हाइट विड्थ ले लेंगे, स्क्रीन वाला हाइट विड्थ, इस तरह से हो गया। अब यहां पे ये कह रहा है कि जी, तो यहां से है ना इमेज के अंदर है गेट डिफॉल्ट स्केल, तो हम यही कर लेंगे ऐसे, इमेज है नहीं हमारे पास तो लो इंपोर्ट कर लिया मैं इमेज, आ गया। अब ये रिटर्न कर रहा है, क्या करेगा तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है, इमेज रिटर्न कर रहा है, देख रहे हो आप इमेज रिटर्न कर रहा है। अब इसको कहां पे रखना पड़ेगा, हमें इमेज में रखना पड़ेगा, इमेज आ गया। अब इस इमेज को हम कहां पास कर देंगे, इमेज में आई एम जी लिखता हूं, और ए इमेज में कहां पास कर दूंगा, यहां पे पास कर दूंगा,
कास्ट आइकन, कास्ट हो गया, ये टाइप कास्टिंग किया गया है यहाँ पे आइकन में। अब मैं रन कर रहा हूं, अब देखना सेट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, टूल कार्ट, टूल किट, कांट कास्ट, बूटस्ट्रैप, ये कह रहा है कि कास्टिंग हो नहीं पाया है। ठीक है जी, नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहा हूं, नहीं मैं समझा क्या कह रहा हूं। इमेज में रिटर्न किया, मैं सीधा वेट वेट एक मिनट रुको, सेट आइकन, इसको आइकन चाहिए, हमें आइकन में इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यहीं पे लिख देता हूं यार मैं आइकन ऐसे, इस टाइप से, अगर इस टाइप से लिख दूं तो नहीं चलेगा। इमेज टाइप में हुआ, इसको मैं कर देता हूं आइकन, आइकन हो गया। यहां पे लिख देता हूं मैं आई, और इसको भी मैं कर दूंगा आइकन, आई कर देंगे इसको। चलो भाई रन हो जाओ, अब चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो देखेंगे। ये कह रहा है कांट कास्ट टूल किट, टूल किट इमेज कांट कास्ट, एक कास्टिंग के लिए एरर बोल रहा है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा काम करूंगा कि इसको यहां से गायब कर दूंगा, इसको कट करता हूं यहां पे, और सीधा जो है यहीं पे पेस्ट कर देता, बहुत दिन को समस्या आ रहा है तो ऐसे। और यहां पे भी मैं कर दूंगा न्यू इमेज आइकन, न्यू इमेज आइकन, और इसमें पास कर दूंगा मैं इमेज को, और इसमें पास कर दूंगा आइकन, आइकन एनोनिमस तरीके से। ये देखो अबे फिक्स हो गया, ये इतना ही साइज का है, आएगा अब ठीक दिख रहा है। हमने यहाँ पे किया क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले मैंने क्या किया, इमेज आइकन में पास कर दिया मैं इमेज, इमेज में क्या है फाइल का लोकेशन, और फिर मैं इसी इमेज आइकन से गेट कर रहा हूँ इमेज, इमेज जब गेट किया गया तो यहाँ पे इमेज आ गया, और उसी इमेज पे चला गेट स्केल्ड इंस्टेंस। एक फंक्शन क्या करता है, इसको जब हम हाइट विड्थ देते हैं तो फोटो को रिसाइज करता है, छोटा कर देता है, मतलब उस हाइट विड्थ में कर देता है। और जब ये हाइट विड्थ में किया तो ये इमेज किसको पास कर दिया गया, इमेज आइकन को, इमेज आइकन क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया इमेज, समझ रहे हो बात। यहां पे क्या आ गया था, इमेज क्लास आ गया, जब इमेज यहां पे आया तो वो इमेज दे दिया गया इमेज आइकन को, और इमेज आइकन को हमने सेट कर दिया आइकन में, तो आइकन आ गया। आप चाहो ना तो इसको भी यहां से गायब कर दो ऐसे, और इसको कर दो यहां से यहां तक कट, और इसको सीधा पास कर दो यहीं पे ऐसे, ऐसे भी सेट होगा ये। तो ये इस तरह से आप इमेज सेट कर सकते हैं। ये फोटो तो सेट हो गया है, अब मुझे क्या करना है,
इसको मैं करता हूँ छोटा, ये तो डैशबोर्ड का काम था, क्लियर हो गया, इसमें इतना ही कोड है। अच्छा फोटो खींचना, खींच लो, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यही ऊपर एक जे लेवल बना लेना हो जाएगा, बी नाम का, हाँ बीजी नाम से इसके, हाँ लास्ट में टोटल यहीं तक है, 20 मिनट लग गया इतने में, हाँ हमने डीबग भी तो